Heartily welcome to all in my YouTube channel School and Scholar. Hello students, आज के सेशन में हम लोग क्लास 10th NCERT गणित का चैप्टर एक्सरसाइज 3.5 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बजगुणम विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बजगुणम विधि को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोलते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या किसका कोई हल नहीं है। देखिए, हमारे पास तीन कंडीशन है, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अपरिमित हल। लेकिन चेक करने के बाद हमें देखना है कि किस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, उस कंडीशन में हमें इन समीकरणों को हल करके एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा इन दोनों समीकरणों की स्थिति आने पर हमें समीकरण को हल नहीं करना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ये हमारा दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राइट किया है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है आपको, चलिए मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। इसको हमने मान लिया समीकरण एक और इसको हमने मान लिया समीकरण दो। अब क्या करना है, समीकरण एक व दो की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर है ना। व्यापक समीकरण आपका मानक रूप होता है, व्यापक समीकरण है ना, व्यापक समीकरण से करने पर। अब जब हम क्या करेंगे, व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो हमें व्यापक समीकरण पता होना चाहिए कि हमारा व्यापक समीकरण होता क्या है ना। तो व्यापक समीकरण आपका होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल जीरो। फिर होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल जीरो, ठीक है। हम इन दोनों समीकरणों की तुलना इन दोनों व्यापक समीकरणों से करेंगे। तो आप देख सकते हैं, इस पहले समीकरण की तुलना हमें पहले समीकरण से करनी है, इस दूसरे व्यापक समीकरण की तुलना दूसरे समीकरण से करना है। तो चलिए हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पे एक्स गुणांक a1 है, तो यहाँ पे एक्स गुणांक 1 है, तो हमारे पास a1 का मान 1 हो जाएगा, b1 का मान -3 हो जाएगा, है ना। तुलना करेंगे, c1 का मान -3 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, a2 का मान 3 हो जाएगा। दूसरे समीकरण की तुलना दूसरे समीकरण से करेंगे तो, और यहाँ पे b2 का मान -9 है ना, दूसरे समीकरण से तुलना करेंगे, और हमारा c2 का मान जो है वो -2 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान मिल चुका है। अब हम लोग चेक करेंगे, क्या करेंगे, a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 का मान निकालेंगे। चलिए अब हम मान निकाल लेते हैं। a1 बटे a2 का अगर हम मान निकालते हैं तो आपको पता है a1 का मान 1 है ना, और a2 का मान 3 है, ठीक है। अगर हम b1 बटे b2 का मान निकालते हैं तो हमें b1 का मान -3 पता है, b2 का मान -9 है, कैंसिल होगा, 3 × 3 3 त्रिकाई 9। यहाँ पे b1 बटे b2 का मान भी 1/3 हो जाएगा। चलिए अब हम यहीं पे c1 बटे c2 का भी मान निकाल लेते हैं। c1 बटे c2 की बात करें तो c1 का मान -3 लिखेंगे, c2 का मान -2 लिखेंगे, यहाँ से हमारा माइनस माइनस कैंसिल और ये 3/2 आ चुका है। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a1 बटे a2 का मान 1/3 है, b1 बटे b2 का मान 1/3 है, तो a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 जो है 3/2 है। तो अब देखिए, यहाँ पे जब a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर है, c1 बटे c2 अलग है ना, मतलब वो बराबर नहीं है इन दोनों के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। अगर ये तीनों बराबर, अगर ये तीसरा वाला बराबर नहीं है तो ये कौन सी कंडीशन में आता है, ये आप देख सकते हैं कि जब इस तरह की स्थिति आती है तो इस स्थिति को हम बोलते हैं इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, है ना। और जब इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा तो हम क्वेश्चन को आगे हल
नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इसे आपको अब आगे हल नहीं करना है ना, चेक करना है। इसी तरह से अगर किसी सवाल में ये वाली कंडीशन आती है, इसके अनंत हल होते हैं। अब जब अनंत हल होगा तो भी आपको समीकरण को हल आगे नहीं करना, इतना बता देना है, बस हो गया। अब देखिए मैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। अगर अद्वितीय हल होगा तो हम समीकरण से एक्स और वाई का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम ना क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको राइट कर लेता हूँ। ये आपका हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सेकेंड, है ना। चलिए अब हम समीकरण एक दो को फिर से हल करेंगे, तुलना करेंगे। जब इस बार मैं लिखूंगा नहीं व्यापक समीकरण, आप लोग समझेंगे। समीकरण एक व दो की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर, है ना, व्यापक समीकरण से करने पर। चलिए मैं तुलना करूंगा जब, तो वो समीकरण आपको याद होना चाहिए, ए वन एक्स बी वन वाई सी वन इक्वल जीरो, ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल जीरो, है ना, जो अभी अभी मैंने यहाँ पे लिखा था। चलिए मैं इसकी तुलना करूंगा जब, तो यहाँ पे देखिए ये जो समीकरण है, इसको अभी यहाँ पे नहीं मानते हैं, क्या करते हैं, ये देखिए समीकरण हमारा इस तरह से बनेगा, टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे पाँच बराबर में है ना, आपको ध्यान रखना है बजगुणन विधि में हमेशा क्या करना है, इस पाँच को अंदर कर लेना है ना, मतलब बराबर में जीरो होना चाहिए अगर आपको क्वेश्चन को बजगुणन विधि से हल करना है तो, है ना, बजगुणन विधि में बराबर में शून्य होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं दोनों समीकरणों की जब तुलना व्यापक समीकरण से कर देंगे, इन्हीं दोनों समीकरणों की तुलना, तो हमारा ए वन का मान यहाँ पे दो दिख रहा है, बी वन का मान वाई का गुणांक एक है, सी वन का मान माइनस पाँच है, ए टू का मान तीन है, बी टू का मान दो है ना यहाँ से, और सी टू का मान माइनस आठ। चलिए मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ए वन बटे ए टू का मान निकाल के, ए वन बटे ए टू आप देख सकते हैं दो बटे तीन हो जाएगा यहाँ से देख के, और बी वन बटे बी टू क्या हो जाएगा आपका एक बटे दो हो जाएगा, और सी वन बटे सी टू आपका क्या हो जाएगा माइनस पाँच बटे माइनस आठ। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा पाँच बटे आठ। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो ए वन बटे ए टू का मान दो बटे तीन है, वो बी वन बटे बी टू के मान एक बटे दो के बराबर नहीं है। अब जब हमारा मान बराबर यहीं पे नहीं है तो हमारा ये पहला ही समीकरण फॉलो हो रहा है ना, मतलब ए वन बटे ए टू का मान बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू के, तो ये होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू के, इसलिए इसलिए क्या होगा, समीकरण का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो ये हमारे यहाँ पे समीकरण निकाला गया, अगर अद्वितीय हल होगा तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ अपने समीकरण में से x y का मान निकालेंगे। चलिए हम x y का मान यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो एक्स वाई का मान निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक सूत्र याद रखना है बजगुणन विधि में, कि एक्स बराबर आपका क्या होता है, ये सूत्र होता है, यहाँ पे मैंने लिखा था ए वन एक्स बी वन वाई सी वन इज इक्वल जीरो, ए टू एक्स बी टू वाई सी टू इक्वल जीरो। इसमें से हम एक्स वाई का मान निकाल के बता सकते हैं कैसे आएगा एक्स वाई मान। तो देखिए हमारा यहाँ पे एक्स का मान जब निकलेगा तो इस तरह से होता है एक्स का मान, ये देखिए यहाँ पे हमारा x का मान निकालेंगे तो इसको छोड़ के बी वन सी टू बी टू सी वन हो जाएगा, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, और y का मान हमारा क्या होता है, देखिए निकलता है कैसा है ना, x को ऐसे बंद करेंगे बी वन का गुणा सी टू से, बी टू को सी वन से कर देंगे, जब y का करना होगा तो ए टू सी वन ए वन सी टू ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू। इसी तरह से यहाँ पे जो हमारा अचर संख्या है एक, इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ये गुणा हो जाएगा। चलिए अब मैं इस सूत्र में मान रख देता हूँ यहाँ पे एक्स अपॉन बी वन सी टू है, तो बी वन का मान हमारे पास क्या है, अभी मैंने यहाँ पे लिखा था मान, तो बी वन का मान हमारा एक हो जाएगा और सी टू का मान हमारा क्या हो जाएगा माइनस आठ हो जाएगा। ठीक है, और फिर माइनस बी टू का मान हमारा क्या दिया है, दो दिया हुआ है, और C1 का मान आपको दिख रहा है यहाँ पे माइनस फाइव है, और इसके बाद Y का मान जब हम निकालेंगे तो A2 C1 है तो A2 का मान तीन है,
और सी वन का मान आपके पास माइनस पाँच है, इसी तरह से माइनस ए टू लिखा हुआ है तो ए टू सॉरी यहाँ पे ए वन है, ए वन का मान दो है और सी टू का मान आपके पास माइनस आठ है। और इसी तरह से यहाँ पे मान हम पुट कर लेते हैं, ए वन बी टू दो गुणे दो, दो गुणे दो ए टू बी वन है तो तीन गुणे, ये हो गया हमारा बी वन तीन गुणे एक। इस तरह से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, आठ एकम माइनस आठ और दो पंचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस दस, और यहाँ पे हो जाएगा पाँच तिहाई पंद्रह, आठ दूना सोलह माइनस माइनस प्लस, और वन अपान टू टू जा फोर और थ्री वन जा थ्री। ये देखिए हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है, टेन में एट को माइनस करेंगे टू आएगा, और यहाँ पे सिक्सटीन में फिफ्टीन को माइनस करेंगे तो वन आएगा और वन अपान वन। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई का मान निकालने के लिए इसको इसके बराबर लिखेंगे, ठीक है, मतलब पहले हम इसको इसको लेंगे, इसके बाद हम इन दोनों को लेंगे, ठीक है। तो पहले x को इसके बराबर लिखते हैं, तो जब हम x बराबर दो एक्स बटे दो, एक बटे एक को तो हम एक ही लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा x का मान क्या हो जाएगा, दो का गुणा एक से करेंगे तो दो एक कम दो आएगा। इसी तरह जब हम y बटे एक को यहाँ पे लिख लेंगे, y बटे एक बराबर, फिर से इसको भी इसी के बराबर लिखेंगे तो हमारा फिर से यहाँ पे y इक्वल एक एक कम एक। तो इस तरह से हमने क्या किया, बीजगणित विधि से एक्स वाई का मान निकाला। तो आज आपने सीखा बीजगणित विधि से किसी भी समीकरण में एक्स वाई का मान निकालना। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक छोटा सा लाइक और ढेर सारा वीडियो शेयर कर दें, लाल वाली सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में दिख रही आल घंटी वाला निशान भी दबा दें, और हाँ आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।